हे गाइस व्हाट्सएप हीरो चिंगा चैनल टू टेक और मैं हूं और आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका विंडोज़ डीएक्टिवेट है तो आप उसे कैसे एक्टिवेट करें। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपका एंटीवायरस है जो है उसको आप ऑफ कर लीजिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और गाइस बहुत लोग सोचते होंगे कि एंटीवायरस ऑफ कर दूंगा तो कुछ हो जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होगा, ये फुल्ली सिक्योर है, बस आपको अपना एंटीवायरस ऑफ कर देना होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना होगा। मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूं। और गाइस क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहां लिखना है एक्टिवेटर txt, और एक्टिवेटर txt लिखने के बाद आपको यहां पे फर्स्ट फर्स्ट वाले लिंक पे टैप करना है। इस लिंक को ही टैप करना है गाइस, क्योंकि दूसरे लिंक को टैप मत कर लेगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी हैकर ने डाला हो, तो आपका हो सकता है जो कंप्यूटर हो या PC वो हैक हो जाए। तो गाइस ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इसको इस लिंक पे जा सकते हैं। तो गाइस इस लिंक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कोडिंग्स दिखेंगे, तो गाइस इन सब को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद गाइस आपको अपना नोटपैड को खोल लेना है। तो गाइस मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। ये खोला मैंने अपना नोटपैड, और गाइस यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस भी दबा के कॉपी कर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस होगा उसको आपको ऑफ रखना है। और गाइस विंडोज एंटीवायरस ऑफ कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको उसको क्या करना है, आपको उसको फाइल में जाना है, उसके बाद उसको सेव करना है। सेव आपको कहाँ करना है मैं बताता हूँ, आपको उसको डेस्कटॉप में सेव करना है। डेस्कटॉप में आपको इसको activate.bat फाइल नेम करना है, मतलब जो फाइल नेम होगा उसको आपको activate.bat करना है। और गाइस इसको आपको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद गाइस ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेव हो जाएगा। तो गाइस मैं अपने पहले नोटपैड को बंद कर लेता हूँ। और अगर गाइस आपको पहले बार में नहीं आता है तो आप गाइस दूसरे बार भी कर सकते हैं। तो मैं मेरा तो आ गया है, इसलिए मैं दूसरे बार नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आ गया है। तो गाइस मैं अपने नोटपैड को बंद कर लेता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ और मेरे संतुष्टि के लिए, क्योंकि जब भी कुछ नया डाउनलोड या कुछ भी सेव होता है तो यहीं पे अच्छा लगता है। अब ऐसा क्यों वो तो पता नहीं। तो गाइस आपको इसको क्या करना है, आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो गाइस मैं इसे कर लेता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आपको एक पॉपअप आएगा, उस पर आपको यस दबा देना है। यस दबाने के बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद आपको हल्का वेट करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करेगा। अगर आपका डिवाइस फास्ट है तो हो सकता है आपका 1 से 1.5 मिनट में हो जाए, या अगर आपका स्लो भी है आपका, या आपका मान लीजिए डिवाइस लो एंड डिवाइस है, तो गाइस उसमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। तो गाइस मेरा डिवाइस फास्ट है इसलिए मेरा तो जल्दी हो गया। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जब एक्टिवेटिंग योर विंडोज़ लिखेगा उसके बाद आपको थोड़ा बहुत वेट करेगा कराएगा। उसके बाद द कनेक्शन टू द सर्वर फील्ड कुछ ऐसा लिखेगा। तो गाइस आपको वहाँ पर चिंता नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमेशा होता है। उसके बाद आपको ट्राइंग टू कनेक्ट टू अनदर वन लिखेगा, उसका प्लीज़ वेट। उसके बाद आपका जो विंडोज़ होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस मेरा विंडोज़ एक्टिवेटेड था, लेकिन तभी मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोग की जानकारी के लिए। तो गाइस यहाँ पे आपको वीडियो लाइक टू विजिट माय ब्लॉग वाई और एन करना है। वाई और एन यहाँ पे कॉमा में ब्रैकेट में मतलब दिया होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर लेना है। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी, और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे डालनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।